नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बायोटेक कम्युनिटी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कि राउंड कीयर्स लाइफ फॉर्म या राउंड कीयर्स ग्रोथ फॉर्म कहलाता है। तो सर्वप्रथम हम यह जान लें कि ग्रोथ फॉर्म अथवा लाइफ फॉर्म से हमारा क्या अभिप्राय है। सामान्यतः किसी भी पादप की बाह्य आकार की, उसका फैलाव, उसमें पाए जाने वाले बड्स की कंपैरेटिव स्थिति तथा उसका अपने वातावरण के साथ अनुकूलन, यह किसी भी प्लांट की ग्रोथ फॉर्म या एक्सटर्नल अपीयरेंस बाह्य रूप को निर्धारित करता है। इसी के आधार पर कुछ पादप हमें वृक्ष, कुछ पादप हमें शाकीय तथा कुछ झाड़ियों के रूप में नज़र आते हैं। इन्हीं लाइफ फॉर्म्स को राउंड कीयर नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकृत करने का प्रयास किया और इस वर्गीकरण के दौरान जो क्राइटेरिया रखे गए वह थे इन पादपों पे पाए जाने वाली पेरिनेशन बड्स की स्थिति तथा सॉइल के द्वारा प्रदान किए जाने वाली सुरक्षा। तो इस प्रकार विपरीत दशाओं में पादप अपनी सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, इस क्षमता के आधार पर पौधों को राउंड कीयर ने 5 बड़े भागों में बांटा। ये भाग लाइफ फॉर्म अथवा ग्रोथ फॉर्म कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं। तो 5 प्रकार की लाइफ फॉर्म्स जो कि राउंड कीयर द्वारा प्रतिपादित की गई वे हैं फेनेरोफाइट्स, कैमीफाइट्स, हेमीक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स अथवा इन्हें जियोफाइट्स भी कहा जाता है तथा थीरोफाइट्स। अब इन 5 प्रकार की लाइफ फॉर्म की अपेयरेंस तथा इनके गुणों के बारे में हम जानते हैं। तो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं किस चित्र के द्वारा आपको 5 प्रकार की लाइफ फॉर्म्स नज़र आ रही हैं। शुरुआत हम करते हैं पहली लाइफ फॉर्म जिसको हमने नाम दिया है फेनेरोफाइट्स। फेनेरोफाइट्स ऐसे पादप होते हैं जिनमें पाए जाने वाली बड्स या कलियां स्केल्स या शल्कों से ढकी होती है और यह सामान्यतः पौधों के ऊपरी भागों पर पाई जाती है या पौधे के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। इस प्रकार की लाइफ फॉर्म के अंतर्गत हम पेड़, श्रब्स तथा कुछ क्लाइंबर्स को सम्मिलित करते हैं जो कि सामान्यतः ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं। अब फेनेरोफाइट्स में पाए जाने वाली लाइफ फॉर्म्स भी अलग अलग ऊंचाई दर्शा सकती हैं। इसके आधार पर फेनेरोफाइट्स को पुनः मेगा फेनेरोफाइट्स यानी 30 मीटर से अधिक ऊंचे वृक्ष, मीजो फेनेरोफाइट्स जो कि 8 से 30 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पादप होते हैं तथा माइक्रो फेनेरोफाइट्स यानी 2 से 8 मीटर ऊंचे तथा नैनो फेनेरोफाइट्स यानी जो 2 मीटर से भी छोटी ऊंचाई के होते हैं उसमें विभाजित किया जा सकता है। फेनेरोफाइट्स के पश्चात अगली ग्रोथ फॉर्म हम पढ़ेंगे कैमीफाइट्स। कैमीफाइट्स ऐसे पादप हैं जिनमें पेरिनेटिंग बड्स या कलियां भूमि की सतह के निकट पाई जाती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको फेनेरोफाइट्स और कीमोफाइट्स में बड्स की सिचुएशन में स्पष्ट अंतर नज़र आ रहा है। इस प्रकार के प्लांट्स का उदाहरण है कुछ हर्बेशियस प्लांट, ट्राइफोलियम इत्यादि। तीसरे प्रकार की लाइफ फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे हेमीक्रिप्टोफाइट। हेमीक्रिप्टोफाइट सामान्यतः ठंडे टेम्परेट जोन या शीतोष्ण भागों में पाए जाने वाले पादप होते हैं। इन पादपों में जो कलियां या बड्स होती हैं यह भूमि के नीचे पाई जाती हैं। भूमि के नीचे पाए जाने के कारण ये सॉइल के द्वारा प्रोटेक्टेड रहती हैं।
इन पादपों की एक और विशेषता है कि इनके जो स्टेम्स होते हैं वो सामान्यतः कुछ समय पश्चात यानी वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाते हैं, परंतु यह पेरिनेटिंग बड्स जो हैं यह बनी रहती हैं। हेमिक्रिप्टोफाइट का उदाहरण है द्विवर्षीय या बाइनियल प्लांट्स तथा बहुवर्षीय तथा पेरिनियल प्लांट्स। हेमिक्रिप्टोफाइट के पश्चात हम पढ़ेंगे जियोफाइट्स या क्रिप्टोफाइट। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, क्रिप्टो का शाब्दिक अर्थ होता है छिपा हुआ। तो क्रिप्टोफाइट्स या जियोफाइट्स ऐसे पादप होते हैं जिनकी बड्स पूर्णतः मिट्टी में छुपी हुई पाई जाती हैं। जैसे कि आप बल्ब्स और विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के राइजोम्स देखते हैं जो कि मिट्टी में गहरे दबी होती हैं। तो ये प्लांट्स मिट्टी के अंदर प्रोटेक्टेड रखते हैं पूरे तरीके से अपनी बड्स को। फॉर एग्जांपल कुछ हाइड्रोफाइट्स तथा क्रिप्टोफाइट्स तथा कुछ ऐसे पादप जिनमें कि पेरिनेटिंग एजेंट्स जो हैं वह राइजोम के रूप में तथा बल्ब के रूप में पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे थीरोफाइट्स के बारे में। लास्ट लाइफ फॉर्म है थीरोफाइट्स। थीरोफाइट्स सामान्यतः ऐसे मौसमी पौधे होते हैं जो अपना जीवन चक्र अनुकूल समय में एक मौसम में पूर्ण कर लेते हैं और जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो बाकी का समय यह बीज के रूप में या पेरिनेटिंग बड के रूप में डॉर्मेंट अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में गुजारते हैं। ऐसे पौधे रेगिस्तान में सामान्य रूप से पाए जाते हैं और इन्हें थीरोफाइट्स कहा जाता है। ये सामान्यतः वार्षिक प्रकार के पौधे होते हैं जो कि वर्ष के कुछ ही समय में अनुकूल परिस्थितियों में अपना जीवन काल पूर्ण कर लेते हैं। तो इस प्रकार राउंड कीयर ने अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को पेरिनेटिंग बड की स्थिति के आधार पर क्लासिफाई किया। अब हम यह जानते हैं कि आखिर इस क्लासिफिकेशन का महत्व क्या है या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। लाइफ फॉर्म्स के द्वारा हम किसी भी स्थान की वेजिटेशन की ग्रुपिंग कर सकते हैं या उसे समूहों के रूप में बांट सकते हैं और साथ ही एक स्थान के समूह की तुलना किसी दूसरे स्थान पर पाए जाने वाले समूह से भी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस जो कि लाइफ फॉर्म्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वह यह है कि अलग अलग क्लाइमेटिक रीजंस में या अलग अलग जलवायवीय क्षेत्रों में किस प्रकार का वेजिटेशन डोमिनेंट रूप से पाया जाता है अथवा वेजिटेशन का प्रिडिक्शन करने के लिए कि किसी एक सामान्य जलवायवीय क्षेत्र में कैसी वनस्पति मिलने की संभावना है, राउंड कीयर की लाइफ फॉर्म इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यह है राउंड कीयर की डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स अथवा लाइफ फॉर्म्स जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पादपों को सम्मिलित किया जाता है। धन्यवाद।